नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सचिवा। दोस्तों, इस मोहतरमा जी को देखिए, क्या आप इस मोहतरमा जी को पहचानते हैं? शायद थोड़ा बहुत पहचानते होंगे। दरअसल देखने से तो लग रहा है कि यह कोई मॉडल होंगी या फिर कोई अभिनेत्री होंगी, यानी हीरोइन होंगी, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि एक हास अधिकारी हैं, यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि यह हिमाचल प्रदेश के जिस मंडी से कंगना रनौत सांसद हैं, यह उसी मंडी के संशोधन तहसीलदार हैं। लेकिन इस मोहतरमा जी को जो काम दिया गया था, जो सर्विस दी गई थी, जिस क्षेत्र को इनको दिया गया था कि इस क्षेत्र में आपको काम करना है, उस क्षेत्र में सारे काम इनके पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बकवास पेलती फिरती हैं, ज्ञान बांटती फिरती हैं। दरअसल इनके ज्ञान वाले कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये बता रही हैं कि किस जाति का व्यक्ति महान था, किस जाति का व्यक्ति नीच था। ठीक है, तो इस मोहतरमा जी का इस वीडियो जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये ब्राह्मण है क्या? क्या आज के शर्मा ब्राह्मण है? उपाध्याय, चट्टोपाध्याय, जितनी भी कास्ट अगर आप मिला लें, क्या वो ब्राह्मण है? सही मायने में ब्राह्मण कौन है, ये मैं आज आप लोगों से, मैंने कहा आप मेरे पिता की उम्र के समान है, मैं किसी से सुनना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का मतलब है क्या? मैं बस सुनना चाहती हूँ। प्लीज, वन हु हैज नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ, सेल्फ नॉलेज जिसके पास है, या जिसे कहा जाता है हिंदी में आत्मज्ञान जिसके पास है, वो ब्राह्मण है। मैं आप लोगों को जो थोड़ा सा वेदों की तरफ ले जाना चाहती हूँ, अर्ली वैदिक एज एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और आपके वैश्य जो थे वो समान रूप से थे, माने जाते थे, समान अपना काम करते थे। ब्राह्मण वो व्यक्ति कहलाया जिसकी रुचि, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिसकी रुचि यानी इंक्लिनेशन जो था वो कहीं ना कहीं नॉलेज को गेन करने की तरफ था। इसीलिए ब्राह्मणों ने शायद वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए। कितने उपनिषद है आपके? मुंडका उपनिषद है आपका, भृगुनायक उपनिषद है, न जाने कितने उपनिषद लिख लिए। सेकंड कैटेगरी क्षत्रिय, क्षत्रिय ऐसे लोग हुए जिनका जो ध्यान था वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की तरफ था, यानी मेरे जितने भी 5 लोग हैं, मैं इनके राइट्स के लिए आगे कैसे आऊं, मैं यहाँ नेतृत्व कैसे करूं। तो वो कौशल जो था, वो जो रुचि थी, वो क्षत्रिय की थी, वो लड़ाई करना जानता था। पर उस ब्राह्मण का ब्राह्मण होना क्या, जिसका शूद्र द्वारा उगाया हुआ अन्न उसको अगर मिले, या उस क्षत्रिय का राजा बनना क्या, जिसका जो एक वेपन, जो अगर राजा, वो राजा नहीं हो सकता जिसके पास हथियार नहीं है, और हथियार बनाने की जो कला थी वो शूद्रों के पास थी। मैं आप लोगों को ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के समय में ब्राह्मण गलत नहीं, ब्राह्मणवाद गलत है। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस समय एक वो पीरियड था जब ब्राह्मण वो व्यक्ति कहलाया जिसके पास, जिसकी रुचि थी वेदों की तरफ, या नॉलेज पाने की, या जो फिर प्रीस्टली एक्टिविटीज कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कर्मकांड। क्षत्रिय वो हुआ जो वॉर करना जानता था, जो प्रोटेक्ट करना जानता था। वैश्य वो हुए जो व्यापारी थे या एग्रीकल्चर करते थे। और लास्ट में शूद्र वो लोग हुए जिनकी रुचि थी कि वो दूसरों के लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक स्मिथ आपके आ गए, जितने भी लोहार वगैरह आ गए, या जो सोना बनाने वाले हैं, गोल्ड स्मिथ आ गए, कारपेंट्री आ गया। प्रॉब्लम काम में नहीं थी, प्रॉब्लम लेटर वैदिक एज में आई, जो आप बोलते हैं कि वैदिक एज के बाद का जो वैदिक लेटर वैदिक एज आया, वहां पे प्रॉब्लम हो गई जब हर एक सेक्ट को ये बोल दिया गया कि आप यही काम करेंगे, अब बाकी आप काम नहीं करेंगे। ब्राह्मण भी बेचारा इसी का मारा हुआ है, आज तक इसी का मारा हुआ है। ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण जी आप तो यही पूजा पाठ करते हैं, पर हो सकता है ब्राह्मण में कोई और क्वालिटी हो कि वो कुछ और बन जाए। ऋषि विश्वामित्र के बारे में आप सभी को ज्ञान होगा।